टी20 सीरीज में जीत हासिल करने के बाद टीम इंडिया आज ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेलने उतरेगी। टी20 में भारत ने बेहद आक्रामक बैटिंग की स्ट्रेटजी अपनाई थी, वहीं वनडे में भी इस सिलसिले को जारी रखा जा सकता है। हालांकि मैच में भारत के लिए एक बुरी खबर आई है, दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ग्रोइन की इंजरी से जूझ रहे हैं, वे इस मुकाबले से बाहर हो सकते हैं। वहीं मैच भारतीय टाइमिंग के अनुसार शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। वहीं 2014 में भारत ने इंग्लैंड में जीती थी आखिरी सीरीज। वनडे क्रिकेट में भारत के पास इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में 8 साल बाद सीरीज जीतने का मौका है। वहीं आखिरी बार 2014 में टीम इंग्लैंड ने वहां वनडे सीरीज पर कब्जा किया था, तब बाजी 3-1 से भारत के नाम रही थी। इसके बाद 2018 में 3 मैचों की सीरीज में हमारी टीम 1-2 से हारी थी। वहीं 2019 वर्ल्ड कप के तहत भी दोनों टीमों के बीच एक मैच हुआ था, उसमें भी इंग्लैंड ने ही जीत हासिल की थी। वहीं अगर इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम की बात करें तो टी20 सीरीज में बेन स्टोक्स, जॉनी बेस्टो और जो रूट इंग्लैंड की टीम का हिस्सा नहीं थे। वहीं वनडे मुकाबलों के लिए इन तीनों दिग्गजों की वापसी हो गई है, यानी इंग्लैंड फुल स्ट्रेंथ टीम उतारने वाला है। जेसन रॉय और जॉनी बेस्टो पारी की शुरुआत कर सकते हैं, वहीं कप्तान जोस बटलर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं। नंबर 3 पर जो रूट, नंबर 4 पर लियाम लिविंगस्टोन और नंबर 5 पर टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स को मौका मिल सकता है। इस स्थिति में बटलर नंबर 6 पर खेलने आएंगे। वहीं अगर भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम में शिखर धवन की बतौर ओपनर वापसी लगभग तय है, वे कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे। विराट फिट रहे तो नंबर 3 पर खेलेंगे, अगर विराट नहीं खेलते हैं तो श्रेयस अय्यर को नंबर 3 पर मौका मिल सकता है। वहीं सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर और ऋषभ पंत नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा बतौर ऑलराउंडर खेलेंगे। अगर भारतीय टीम बैटिंग में ज्यादा गहराई तलाश करेगी तो शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। अगर बेहतर गेंदबाजी की जरूरत हुई तो प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिलेगा। वहीं मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह का खेलना भी तय माना जा रहा है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित शर्मा बतौर कप्तान, शिखर धवन, विराट कोहली या फिर श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर या फिर प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और यजुवेंद्र चहल। वहीं अगर इंग्लैंड टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो जेसन रॉय, जॉनी बेस्टो, जो रूट, लियाम लिविंगस्टोन, बेन स्टोक्स, जोस बटलर बतौर कप्तान, मोइन अली, डेविड विली और ब्राइडन कार्स, मैट पार्किंसन और रीसे टोपली।